नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। फिर से आज हम लोग लेकर आए हैं, आज यानी कि 10 तारीख का जो कोविड-19 अपडेट है इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत। हम लोग सीधे बात करेंगे इस्लामपुर पौरसभा के पूर्व प्रशासक मानिक दत्त महाशय से और जानने की कोशिश करेंगे जो आज इस्लामपुर पौरसभा में कितने नए केसेस हैं, कौन कौन से वार्ड, कौन कौन से पारा से हैं। तथा आपको बता दें जो कल तक जो हम लोगों के पास जानकारी थी इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत टोटल जो है 29 पॉजिटिव केस की संख्या थी। हम लोग सीधे बात कर लेंगे मानिक दत्त महाशय से और जानने की कोशिश करेंगे जो आज कितने नए केसेस हैं और कौन कौन से पारा में या वार्ड में क्या है। बोलछी दादा, आज के कतगुलो नतून केस रहेছে? আজকে পজিটিভ কেস 19টা। কোন কোন ওয়ার্ডে কিংবা কোন কোন পাড়ায় রয়েছে একবার যদি বিস্তারিত ভাবে? ব্লক পাড়ায় দুটো রয়েছে, দেশবন্ধু পাড়ায় একটা রয়েছে, নেতাজি পল্লীতে একটা রয়েছে, তারপর হচ্ছে পুরাতন পল্লীতে 4টে, তারপর হচ্ছে শান্তিনগরে একটা, লেক টাউনে একটা, মিউনিসিপ্যালিটি স্টাফ একজন আছে, পালপাড়া একটা আছে, রামকৃষ্ণপল্লীতে দুটো আছে, ক্ষুদিরামপল্লী একটা আছে, মিলনপল্লীতে একটা আছে, সুকান্তপল্লীতে একটা আছে, আর ইসলামপুর সাব ডিভিশনাল হসপিটাল দুটো আছে। মোট 19টা কেস আছে আজকে। কাল অবধি 29টা ছিল, কাল অবধি 29টা, আজকে 19টা নিয়ে মোট 48টা। তবু আমরা বলবো, মানুষকে বলবো, আতঙ্কিত হবেন না, সতর্ক থাকুন, মাস্কটা ব্যবহার করুন। বারবার করে বলছি একটা কথা, নিজেদের চিন্তা নিজেদেরই করতে হবে। কেউ কাউকে এটা শিখিয়ে দিতে পারবে না যে আমাকে মাস্ক পরতে হবে, মাস্ক নিজের থেকেই নিজের তাগিদে পরতে হবে। এই ভুলটা আমরা যেন না করি, বারবার করে অনুরোধ করছি, বারবার করে বলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। हम लोग सीधे बात कर रहे थे इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक मानिक दत्त महाशय से। उन्होंने जैसे बताया कि आज जो है इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जो है 19 नए पॉजिटिव केस आए हैं, ऐसी ही जानकारी हम लोगों को इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक दे रहे थे। यानी कि कल तक जो थी टोटल संख्या 29 थी और उसमें जो है आज 19 नए केसेस हुए हैं, यानी कि 48 जो है टोटल केस अभी तक इस्लामपुर शहर में पॉजिटिव केस हैं। साथ ही साथ आपको विस्तारित रूप से बता देंगे कि किस किस पारा में जो है ये नए केसेस, आज जो 19 केस आए हैं कौन कौन से पारा में। आपको बता दें ब्लॉक पारा में जो है 2 नए पॉजिटिव केस आए हैं इस्लामपुर, देशबंधु पारा में जो है 1 नए पॉजिटिव केस, नेताजी पुल्ली में 1 नए पॉजिटिव केस, पुरातन पल्ली में 4 नए पॉजिटिव केस, शांतिनगर में 1 नए पॉजिटिव केस, लेक टाउन एरिया में जो है 1 नए पॉजिटिव केस, म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उस एरिया में 1 नए पॉजिटिव केस, पालपारा में 1 नए पॉजिटिव केस, रामकृष्णपल्ली में 2 नए पॉजिटिव केस, खुदीरामपल्ली में 1 नए पॉजिटिव केस, मिलनपल्ली इलाके में 1 नए पॉजिटिव केस, सुकांतपल्ली में 1 नए पॉजिटिव केस तथा इस्लामपुर SD हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में जो है 2 नए पॉजिटिव केस हैं। यानी कि आज के दिन में जो है इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत टोटल जो है 19 नए केस आए हैं। कल तक जो था 29 था और आज 19, यानी कि टोटल अभी जो है पॉजिटिव केस की संख्या इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जो है 48 है। आप सभी को बता दें, लेकिन आप लोग जो है डरिए मत, भयभीत मत होइए, आप लोग जो है सचेतन होइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कहीं बाहर निकलते हैं तो अवश्य ही मास्क पहना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और साथ ही साथ अनुरोध करें कि घर में जो है आप लोग बार बार जो है साबुन से हाथ धोइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना होने से ही जो डरने वाली कोई बात नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा परिमाण में जो है आदमी स्वस्थ होकर जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको अब हम लोग चले जाएंगे सीधे जो उत्तर दिनाजपुर जिले का जो अपडेट है, आपको बता दें रायगंज में जो है आज तक जो है टोटल 46 केस हैं, आज के दिन में नए 46 केस हैं, कालियागंज में नए 8 केस हैं, डालकोला में 2 नए केस हैं और इस्लामपुर शहर में जो है 19 नए केस हैं। आपको बता दें जो उत्तर दिनाजपुर जिले का जो है आज के दिन में क्या वर्तमान परिस्थिति है, आप लोगों को बता दें जो उत्तर दिनाजपुर जिले का अपडेट हम लोग आप लोग को देंगे, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का देंगे। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में कल तक जो है टोटल नए केस की संख्या जो है 24,000 से भी अधिक थी, जो कि रिकॉर्ड मात्रा थी। आज जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, आज के दिन में नए केस की संख्या जो है 19,286 है। आज के दिन में पश्चिम बंगाल में नए केस की संख्या 19,286 है, यही अभी तक हम लोगों को जानकारी है। साथ ही साथ बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में
आज के दिन में नए केस की संख्या 170 है। टोटल उत्तर दिनाजपुर जिले में नए पॉजिटिव केस की संख्या 170 है, उसमें से रिकवर जो हुए हैं 40 से भी अधिक हुए हैं, उसमें से रिकवर आज के दिन में जो कोई मृत्यु नहीं है उत्तर दिनाजपुर जिले में, और अभी जो एक्टिव केस है टोटल उत्तर दिनाजपुर जिले में 383 एक्टिव केस है, यही जानकारी है हम लोगों के पास उत्तर दिनाजपुर जिले से। तथा पूरे भारतवर्ष का जो एक बार आपको फिगर बता दें, आज जो है पूरे भारतवर्ष में आज जो है पिछले 24 घंटे में नए केस की संख्या 179,729 है। आपको टोटल एक्टिव केस की संख्या बता दें 723,619 है। आज के दिन में रिकवर होने की संख्या जो है 345,172 है। टोटल देश जो है पिछले 24 घंटे में 146 हुए हैं, यही जो जानकारी है पूरे भारतवर्ष की। एक बार पूरे हफ्ता का आपको हम लोग ब्यौरा देंगे जो 1 तारीख से पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो है लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। 1 जनवरी को पूरे पश्चिम बंगाल में जो है नए केस की संख्या 4,000 थी, 2 जनवरी को 6,153, 3 जनवरी को 6,078, 4 जनवरी को 9,073, 5 जनवरी को 14,022, 6 जनवरी को 15,421, 7 जनवरी को 18,213, 8 जनवरी को 18,802 और 9 जनवरी को 24,287 तथा 8 जो है 18,000 समथिंग है। यही जो है पूरे पिछले 10 दिन का जो है पश्चिम बंगाल का अपडेट है। साथ ही साथ बता दें तो इस्लामपुर शहर में जो है नए केस की संख्या अभी जो है आज के दिन में 19 है। टोटल जो है आज का 19 को मिलाकर टोटल एक्टिव केस की संख्या 48 है। एक बार फिर से इस्लामपुर पौरसभा के अंतर्गत जिस पारा में जिस मोहल्ला में नए केसेस आए हैं आप लोगों को बता दें, इस्लामपुर के ब्लॉक पारा में 2, देशबंधु पारा में 1, नेताजी पुल्ली में 1, पुरातन पल्ली में 4, शांतिनगर में 1, लेक टाउन में 1, म्यूनसिपलिटी का जो एरिया है उस एरिया में 1, पालपारा में 1, रामकृष्ण पुल्ली में 2, खुदीराम पुल्ली में 1, मिलनपल्ली में 1, सुकांतो पुल्ली में 1 तथा इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2। यही अपडेट और यही जानकारी हम लोगों के पास फिलहाल है कोविड-19 को लेकर। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट की ओर से आज जो है विभिन्न जगहों पर जो है अभी जान किया गया, कुछ व्यक्तियों को जो है इसमें जो है अरेस्ट भी किया गया है। साथ ही साथ बता दें आपको जो इस्लामपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी जो है आज सचेतनामूलक जो है आज उद्योग लिया गया, साधारण व्यक्तियों को जो है मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साथ इस्लामपुर पौरसभा की ओर से जो है लगातार जो है इस्लामपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है माइकिंग चल रही है। साथ ही साथ हम लोग न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम की ओर से भी आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अवश्य ही जब कभी बाहर निकले तो अवश्य मास्क पहनकर निकलिए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बार बार आप लोग साबुन से हाथ धोइए। साथ ही साथ अनुरोध करेंगे जो डरने वाली कोई बात नहीं है, भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है, कोरोना जो महामारी है इससे हम सभी को जो है एकजुट होकर मिलकर जो है लड़ाई करना है, साथ साथ रहकर जो है इससे हम लोगों को पार पाना है। यही जानकारी आज के दिन तक हम लोगों के पास कोविड-19 को लेकर थी। फिलहाल नेक्स्ट कोई अगर अपडेट आता है तो अवश्य आप लोगों के पास हम लोग पुनः लेकर आएंगे। मेरे सहपंडित जी दीप्तो विश्वास के साथ मैं राज साहनी इस्लामपुर से।